मैंने तुम्हें पाला। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ डाई हार्ड। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ टॉप 10 ग्रेट एक्शन मूवीज। रेड नोटिस एक्शन एंड कॉमेडी से भरपूर है। ये एक अमेरिकन एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसके राइटर और डायरेक्टर है रोशन मार्शल। फिल्म की स्टार कास्ट है रायन रेनॉल्ड्स, ड्वेन जॉनसन, गल गैडोट एंड रितु आर्या। फिल्म फॉलो करती है एक FBI एजेंट को जो कि रुलंकली टीम अप करता है एक चोर के साथ इन ऑर्डर टू कैच इवन मोर नोटोरियस थीव को। फिल्म को मिक्स रिव्यूज मिले थे फ्रॉम द क्रिटिक्स हु क्रिटिसाइज्ड फॉर इट्स प्लॉट एंड राइटिंग। हाउएवर दे प्रेज द परफॉर्मेंसेस एंड एक्शन सीक्वेंसेस और इसके दो सीक्वल्स अभी डेवलपमेंट में हैं। स्पेशल एजेंट जॉन हार्टली, FBI। कैसे हो? हमारी नेक्स्ट फिल्म है शांग्ची एंड द लेजेंड ऑफ 10 रिंग। शांग्ची एंड लेजेंड ऑफ 10 रिंग्स एक अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म है जो बेस्ड है मार्वल कॉमिक बुक्स के कैरेक्टर शांग्ची के ऊपर। इस फिल्म को प्रोड्यूस की है मार्वल स्टूडियोज ने एंड डिस्ट्रीब्यूट की है वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स ने। द फिल्म वॉज डायरेक्टेड बाय डस्टिन डेनियल एंड ये प्रीमियर हुई थी लॉस एंजलिस में ऑगस्ट 2021 में। इट ग्रोस्ड ओवर $432 million वर्ल्ड वाइड एंड इस मूवी ने पॉजिटिव रिव्यूज गेन किए थे फ्रॉम द क्रिटिक्स हु प्रेज exploration and representation of Asian culture and differentiated the film from the rest of MCU as well as action sequences and performances. हमारी टीम मस्त है। हमारी नेक्स्ट फिल्म है नोबडी। नोबडी एक अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसके डायरेक्टर है इलिया नाइसुलर। फिल्म की स्टार कास्ट है बॉब कॉनी, एलेक्सी रजा एंड क्रिस्टोफर लॉयड। फिल्म फॉलो करती है माइड मैनर्ड फैमिली मैन को जो कि रिटर्न करता है अपनी फॉर्मल लाइफ ऑफ एन असैसिन क्योंकि उसे अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना होता है एक वेंजेंसफुल क्राइम लॉर्ड से। यूनिवर्सल पिक्चर ने नोबडी को रिलीज की थी यूनाइटेड स्टेट्स में मार्च 2021 में। फिल्म ग्रोस्ड $57 million वर्ल्ड wide and received generally positive reviews from critics who praised the action sequences and Bob's performance. Chalo sab log basement mein chalo. Batao baat kya hai? Police ko inform mat karna. Wo aaram kar raha hai. Hamesha ke liye. Ye bhai saab to chal base. Oh my god. जोर का झटका जोर से लगा इसी को कहते हैं क्या? फ्री गाय एक अमेरिकन एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है शॉन लेवी। फिल्म के मेन कास्ट है रायन रेनॉल्ड्स। फिल्म का प्लॉट फॉलो करता है एक फ्री सिटी को जो कि एक मैसिवली मल्टीप्लेयर ऑनलाइन रोल प्लेइंग वीडियो गेम है जिसके डेवलपर है सुनामी वीडियोस। गेम के एक NPC कैरेक्टर में इंक्लूड हो जाती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फिर वो कैरेक्टर कतई हराम ही हो जाता है हमारे जैसा। It's 2 blocks. Oh! I'm not gonna be the good guy. I'm gonna be the great guy. Well, enjoy your lifetime supply of virginity. Off you go. हमारी नेक्स्ट फिल्म है स्पाइडरमैन नो वे होम। स्पाइडरमैन नो वे होम एक अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म है। ये फिल्म बेस्ड है मार्वल कॉमिक बुक के कैरेक्टर स्पाइडरमैन के ऊपर। इस मूवी के को प्रोड्यूसर है सोनी पिक्चर्स एंड मार्वल स्टूडियोज। ये फिल्म डिस्ट्रीब्यूट की गई थी सोनी पिक्चर्स के द्वारा। स्पाइडरमैन नो वे होम एक सीक्वल है स्पाइडरमैन होमकमिंग एंड स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम की जो कि 27th फिल्म है मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स की। ये मूवी डायरेक्ट की है जॉन वॉट्स ने। इस फिल्म में पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज को ये कहता है कि ऐसा मैजिक यूज करो कि दुनिया उसकी आइडेंटिटी भूल जाए, लेकिन पीटर की उल्टी सीधी हरकतों की वजह से उनकी दुनिया में मल्टीवर्स खुल जाता है। हमारी नेक्स्ट फिल्म है नो टाइम टू डाई। टाइम टू डाई एक स्पाई फिल्म है और 25th फिल्म है जेम्स बॉन्ड सीरीज की। नो टाइम टू डाई प्रोड्यूस बाय इयोन प्रोडक्शन एज अ स्टारिंग डेनियल क्रेग। ये मूवी डेनियल क्रेग की 5th मूवी है एज अ फाइनल पोर्ट्रेयल एजेंट जेम्स बॉन्ड। मूवी का प्लॉट फॉलो करता है 007 को जिन्होंने MI6 को छोड़ दिया था और बाद में CIA उन्हें रिक्रूट करता है एक पावरफुल एडवर्सरी आर्म टेक्नोलॉजी को शट डाउन करने के लिए।
हमारी नंबर 4 पे है ब्लैक विडो। तुम्हारा हस्बैंड इंटीरियर का काम करता है। कहानी ये है कि तुम्हें वापस आना है लेकिन घर के लिए लोन नहीं मिल रही। ये मेरी कहानी नहीं हो सकती। ब्लैक विडो एक अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म है जो कि बेस है मार्वल कॉमिक के ऊपर। ये मूवी प्रोड्यूस की है मार्वल स्टूडियोज ने और डिस्ट्रीब्यूट की है वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स। ये मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की 24th फिल्म है जिसे डायरेक्ट की है केट शॉर्टलैंड। ये फिल्म सेट है कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के इवेंट के बाद। ये फिल्म रिलीज हुई थी जून 29, 2021 में। अब एक ही रास्ता बाकी है। नताशा सीधे बैठो। सीधा ही तो बैठी हूँ, झुकोगी तो खुपड़ी हो जाओगी। मम्मी सही कह रही है। ओह माय गॉड, ये तो बस बहुत हो गया, तुम सब लोग जरा चुप रहोगे। मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, हद है यार। हमारी नंबर 3 पे है सुसाइड स्क्वाड। हर एक मेंबर को उनकी अपनी अनोखी काबिलियत के वजह से चुना गया है। द सुसाइड स्क्वाड एक अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म है। ये फिल्म बेस्ड है डीसी कॉमिक की टीम सुसाइड स्क्वाड के ऊपर। ये फिल्म डिस्ट्रीब्यूट की गई थी वार्नर ब्रदर पिक्चर्स की तरफ से और ये डीसी यूनिवर्स की 10वीं फिल्म है। इस मूवी के राइटर और डायरेक्टर है जेम्स गन। द सुसाइड स्क्वाड थियोरेटिकली प्रीमियर्ड हुई थी जुलाई 21 में। कोई सवाल? हेरा फेरी मूवी में भी स्टारफिश का जिक्र था, उनका कोई कनेक्शन? नहीं, नहीं। हमारी नंबर 2 पे है फास्ट एक्स। फास्ट एक्स आल्सो नोन एज फास्ट एंड फ्यूरियस काइंड एक अमेरिकन एक्शन फिल्म है जिसे डायरेक्ट की है लुइस लेट्रियर ने। ये मूवी सीक्वल है फास्ट एंड फ्यूरियस 9 की। इसके स्टार कास्ट में है विन डीजल एज डोमिनिक टोरेटो। मूवी की कहानी की बात करें तो जेसन मोमोआ एज अ डांते अपने फादर का बदला लेना चाहते हैं डॉम और उसकी फैमिली से। सबसे पहले फास्ट एक्स प्रीमियर हुई थी मई 12, 2023 रोम में और फिर यूनिवर्स पिक्चर्स ने इस फिल्म को रिलीज किया था मई 19, 2023 इन यूनाइटेड स्टेट्स। लो आ गए वो। तू मेरे परिवार को कभी तोड़ नहीं पाएगा। हमारी नंबर 1 पे है गॉडजिला द किंग ऑफ मॉन्स्टर। गॉडजिला द किंग ऑफ मॉन्स्टर एक अमेरिकन मॉन्स्टर फिल्म है जिसे डायरेक्ट की है गारेथ एडवर्ड ने। ये फिल्म प्रोड्यूस की है लेजेंडरी पिक्चर्स ने एंड डिस्ट्रीब्यूट की है वार्नर ब्रदर्स। ये एक रिबूट है गॉडजिला फ्रेंचाइज की। ये कहानी फॉलो करती है गॉडजिला और इनके मॉन्स्टर क्रीचर्स को। मॉन्स्टर यूनिवर्स में एक जीरो नाम का कतई हराम एलियन होता है जो की अर्थ पे बहुत साल पहले आया होता है। उसे कुछ लोग जगा देते हैं और फिर क्या, तबाही मचाने शुरू कर देता है। फिर हमारे मॉन्स्टर यूनिवर्स के सारे मॉन्स्टर्स और गॉडजिला सब लोग मिलके उसका सामना करते हैं। ये गॉडजिला की दुनिया है, हम तो सिर्फ इसमें रहते हैं। गॉडजिला 2 किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स। Thanks for watching and tell me which is your favorite movie. And I know that you have many suggestions, so tell me in the comment section.